आज आपके जाने के पूरे 2 साल हो गए हैं। काश आप होते तो हमें इतनी तकलीफों से नहीं गुजरना पड़ता। मामा, आप कहाँ जा रहे हो? बेटा, अब से मैं जॉब करने की सोच रही हूँ ना, तो मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। पर मम्मा, आप ऐसे जाओगे? रुको एक मिनट। मम्मा, आज आप ये पहनो। बेटा, मैं ये नहीं पहन सकती। क्यों मम्मा, प्लीज मेरे लिए पहनो, प्लीज 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 मेरे लिए पहनो। अरे वाह मम्मा, आप बिल्कुल पहले की तरह सुंदर दिख रहे हो। पर मम्मा, बस एक चीज की कमी है। इधर आओ मम्मा। तू रुक। हाँ, ये सुबह सुबह यहाँ कहाँ जा रही है? अरे मैं सावित्री को निमंत्रण देने आई थी, मेरी बहू की गोद भराई है। गोद भराई? तो तू क्या पागल है क्या? इस मनहूस को तू अपनी बहू की गोद भराई में बुला रही है? अरे ये तो अपने पति को भी खा गई। इस मनहूस को बुला के तू क्या कर लेगी? सही कहा बहन, तुमने तो सुबह सुबह मेरी आंखें ही खोल दी। मैं किस मनहूस को अपने शुभ अवसर पर बुलाने आ गई। चलो बहन चलो। राम 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 राम। देख सावित्री जा रही है। पति को मरे अभी 2 साल भी नहीं हुए और इसने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया। अरे उसने तो बिंदी भी लगाई, ये देख। गोर कलयुग, पता नहीं क्या करेगी। कहाँ जा रही हो? छोड़ दूँ क्या? अरे रुक रुक, कहाँ जा रही है? अरे अरे रुक रुक। मम्मा, आज तो आपका इंटरव्यू था ना, इतने जल्दी क्यों आ गए? बेटा मैं इंटरव्यू देने कल जाऊंगी। मैं कमिंग सर। यस कमिंग, प्लीज सिट। सर ये मेरे डॉक्यूमेंट। आप ये जॉब क्यों करना चाहती हैं? एक्चुअली सर मेरे पति नहीं है और मेरी 8 साल की बेटी है, इस वजह से मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है, कल से आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे। ये लीजिए आपकी फाइल और आप अभी जा सकते हो। थैंक यू सर। और एक बात, आप यहाँ पे बेफिक्र काम कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या अनकम्फर्टेबलनेस हो तो आप बेफिक्र कंप्लेन कर सकते हो। अब आप जा सकते हो। हमारे देश में शादी को एक पवित्र दर्जा दिया गया है, लेकिन इसी के साथ कई परंपराएं भी जुड़ी हुई है। आज की इस कहानी के जरिए हम आपको यह कहना चाहते हैं कि पति के मरने के बाद उसकी विधवा पत्नी के साथ हमारा समाज कितना बुरा व्यवहार करता है। उसे कोसता है, उसे मनहूस और अपशकुनी जैसे ताने देता है, उससे दूरी बनाए रखता है और उसकी ज़िंदगी को बेरंग कर देता है। उसका कसूर सिर्फ इतना ही है कि उससे पहले उसके पति की मृत्यु हो गई। क्या ये सही है? नहीं, ज़िंदगी एक बार मिली है तो उसे बेरंग क्यों करना, उसमें तो रंग भरने की ज़रूरत है। हम सबको ज़िंदगी जीने का और खुश रहने का पूरा हक है, इसलिए किसी से ये हक ना छीने, क्योंकि वक्त सबका बदलता है।